हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किचन और घर के काम तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन इन्हीं कामों को अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ अमेजिंग से किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, जो आज की पहली टिप है ना, वो इस तरह के आटे के रैपर को लेकर के है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वहाँ पे तो ऐसे गेहूँ लेकर के उसको वॉश करके पिसवा लिया जाता है, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको तो आटा खरीदने का ही एक ऑप्शन होता है। तो जब आटा खरीदते हैं तो इस तरह का रैपर मिल ही जाता है, तो इसको आप फेंका ना करिए। इसका मैं रीयूज बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो देख लीजिए, एक पेन ले लीजिए और पेन को इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए जैसे मैंने किया है ना। अगर आपको समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा वीडियो को ना स्लो कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। तो देख लीजिए, हमने इस तरह से इस पे लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद क्या करेंगे हम कि बीच से इसका एक पार्ट उठा करके और सीजर से हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने काट दिया है इसको बीच से, और अब इसको हमें जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है ना, हमें सेम वैसे ही इस पे कटिंग लगानी है। तो हमने तो ऐसे ही अंदाजे से काटा है। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपसे सीधी लाइन नहीं खींच पाते हैं आप, तो आप ना किसी स्केल की हेल्प ले सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने इसको कट कर दिया है, और अब हमें इसे क्या करना है कि इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए, कुछ इस तरह से एक तरफ से हमने फोल्ड किया, और हमने इसको ट्रायंगल काटा है ना, इस वजह से क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल नीट ये ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप में आ गया है, और अब इसे हमें स्टेपलर कर लेना है। अगर आपके पास ग्लू गन है ना, तो आप उससे भी इसको चिपका सकते हैं, बहुत ईजिली चिपक जाता है ये। तो बस हमने स्टेपलर लगा दिया है, और अब मैं बताऊंगी इसका इस्तेमाल। इसके ऊपर भी आप एक कट लगा करके इसका आप हैंडल बना सकते हैं, क्योंकि हमने आटा कट करा था ना, तो हमने इसका पूरा ऊपर वाला पार्ट काट करके निकाल दिया था। तो अब इसको हम एक इसे हमने एक ऑर्गेनाइजर बनाया है, जिसका इस्तेमाल हमें जो पुरानी बॉटल्स होती हैं या फिर बच्चे पढ़ते हैं तो बॉटल्स बहुत सारी हो जाती हैं, पति ऑफिस जाते हैं उनके भी बॉटल्स हो जाती हैं, तो कभी ना उनको इधर उधर रखने से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, कभी इधर उधर गिरता रहता है और टाइम से मिलता भी नहीं है। तो देखिए, मेरे पास जो भी अवेलेबल था ना, मैंने इसको इसमें डाल करके आपको एक डेमो के तौर पर दिखाया है। आप इस तरह से इसको डालिए और इसको आप हैंग कर सकते हैं। अगर आप हैंग नहीं करना चाहते इसको, तो आप किसी सरफेस पे, किसी वॉल पे आप इसको टेक लगाइए, और लगा करके आप इसको वैसे भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको वैसे भी दिखा रही हूं, देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, और आपकी जितनी भी बॉटल्स होंगी ना, आपको सामने दिखती रहेंगी, इससे आपका टाइम और मेहनत दोनों बचेगी। तो टिप अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो नेक्स्ट टिप ना इस तरह के वॉशिंग बार को लेकर के है, और नहाने वाले बार को लेकर के, मतलब कुल मिलाकर के कपड़े धोने का साबुन है और नहाने का साबुन है। अब इसका करना क्या है, तो देख लीजिए, हमें ले लेना है एक ग्रेटर, और ग्रेटर की हेल्प से इसे हमें ग्रेट करना है, यानी कि इसे कद्दूकस करना है। तो देख लीजिए, जो ये नहाने वाला साबुन है ना, इसकी मात्रा थोड़ी कम चाहिए, और ये जो धोने वाला साबुन है, सॉरी, तो आप इसकी मात्रा ना थोड़ी सी ज्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि हम ना एक तरह से माइल्ड सर्फ यानी कि वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि कपड़े धोने होते हैं वॉशिंग मशीन में और सर्फ खत्म हो जाता है, या फिर कभी शाम हो जाती है जिससे शॉप्स बंद हो जाती हैं तो हमें नहीं मिल पाता। तो इस जगह पे अगर आपको बहुत ज़रूरी है ना कपड़े धोने का, तो आप इस तरह से आप इसको रगड़ करके और माइल्ड सा वॉशिंग पाउडर बनाइए और इससे अपने कपड़े धोइए, बिल्कुल आसानी से धुल जाते हैं। और ये जो नहाने का साबुन होता है ना, ये तो इतना अच्छा एक तरह से कहिए क्लींजिंग होता है, जिससे ना आप दाग धब्बे भी छुड़ा सकते हैं। अगर आपके कपड़े पे थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं ना, वो भी छूट जाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ना इस तरह के नेल पैकर को लेकर के होता है कि कई बार क्या होता है कि हम नेल्स काटते हैं और काट करके इधर उधर रख देते हैं, जिससे कि ना नेल पैकर हमेशा ही गुम रहता है।
इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो ऊपर इसके होल बनाया होता है, हर किसी ने देखा होगा कि ये होल बनाया, बस सोचा आपने क्यों बनाया होता है, ये इसीलिए बनाया होता है कि आप इसमें एक रस्सी लगाएं और इसको कहीं हैंग कर दें जिससे कि ये गुम ना हो। साथ के साथ ये भी अपने अंदर आदत बनाइए कि जो चीज़ें जहाँ से उठाएंगे ना वहीं रखेंगे, तो कभी भी गुम नहीं होगी, आपको टाइम से मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।